तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस टाइप का न्यू ट्रेंडिंग सीवी फोटो एडिटिंग, तो आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं कुछ नया क्रिएट किया हूँ फोटो में अपने, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा ओरिजिनल फोटो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, जो कि इस टाइम का फोटो है। मैं इसको एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एडिट करने से पहले आप लोगों को हेयर बनाना बताऊंगा, क्योंकि एडिटिंग करना शायद आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो इसका मैं फुल ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इसका हेयर एडिटिंग बताऊंगा कि हेयर कैसे मैं क्रिएट किया हूँ, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हेयर था, लेकिन हम इसको एडिट करके इस टाइप का बनाया है, ठीक है ना। और कैसे बनाया है ये आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा फोटो है एडिटिंग होने के बाद, तो इस फोटो को अभी हम शेयर करेंगे अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। और हेयर बनाना आपको लोग दो तीन तरीका बताऊंगा, जो कि हेयर कैसे बनाते हैं, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो इसमें आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्रश वाले आइकन पर चले जाना है, और सिंपली आप लोग को पता होगा कि इस वाले ब्रश से हम लोग फेस स्मूथ करते हैं, और इसी ब्रश से हम अपना हेयर भी बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले अभी फिलहाल में सेटिंग पे क्लिक करना है, ये वाला ब्रश लेने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग में आने के बाद देख सकते हैं फ्लो स्ट्रेंथ कितना रखना है और साइज़ कितना रखना है, ये सब मैं चीज़ें बता देता हूँ। तो फ्लो को रखना है 20% और स्ट्रेंथ को रखना है 30%, ठीक है। 20-30 रखना है, और साइज़ को अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना पे आप ब्रश चला सकते हो। तो साइज़ को मैंने अपने हिसाब से रख लिया है, और ऐसे करके हम साइड से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए मैं अपने हेयर को कितना अच्छे से और कैसे कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी देखिए और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा और आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। मैं कितना मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ अभी शायद आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा। और मेरा एक और चैनल है जो कि एलोन डिजाइन ब्लॉग के नाम से है, इसी चैनल में उसको भी ऐड किया हूँ, उसको ऐड कर लीजिए। काफ़ी जल्दी उस पर न्यू ब्लॉग्स आने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोग मेरे बारे में आप लोग उस चैनल पे देखेंगे, ठीक है ना। तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह अपने हेयर को आप भी बना सकते हैं काफ़ी कमाल का, ठीक है। इस टाइम मेरा हेयर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे हेयर नहीं कटवाता हूँ, ठीक है, घर पे जाके ही कटवाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा हमको हो गया 2-3 महीने, तो अभी हेयर कटवाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं घर जाऊँगा, उसके बाद से ये सब सही होगा, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में नहीं आता है, तो सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉग वाले चैनल पे, सब चीज़ का जानकारी मिलेगा आप लोगों को, तो उसको पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इस टाइम का है, तो न्यू ईयर स्टाइल में मैं इस फोटो को एडिट किया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा हमको। और हेयर में आप लोगों को कट वगैरह मारना भी इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने हेयर को काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था, तो मैं इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कोने में बच गया है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे कट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ओवर हो गया था, तो ऊपर का हिस्सा हम हटा देते हैं, ऐसे करके हटा लेंगे, ठीक है, ऊपर का नहीं रखेंगे, और इसको इधर की साइड से एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस टाइप से अपना हेयर बना लिया है, और हमको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। इसमें अब क्या क्या करना है ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद से अभी हम सबसे पहले एक इसी को यहाँ से कट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे सबसे पहले, तो कट को कैसे लगाते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको इरेज कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हमें इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और इस पर जाने के बाद ये एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, ठीक है ना। इस पर हम टाइप करेंगे, और इस पर टाइप करने के बाद एक देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बन के आ गया आइकन आपके सामने। तो इसको सबसे पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने हेयर पे, और उसके बाद से हम सिंपली इसमें इसका साइज़ को कर लेंगे छोटा, 6 या 7 तक, और ऐसे करके हम अपने हेयर पे कट बना लेंगे, ठीक है। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसका साइज़ और थोड़ा बड़ा करके और थोड़ा सा चौड़ा आप लोग साइज़ को बड़ा करके अपना कट बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बना लिया है कट, और इसको हम कट करेंगे, और इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करके इसको हम लोग यहाँ से सिंपली ऐसे इरेज कर लेंगे,
देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो गया, और इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर लूँगा। ऐसे बस ड्रॉ कर देना है, पूरा अपने आप मिट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मेरा हेयर एकदम अच्छे से बन चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब बचता है आईब्रो पे कट लगाना, तो वो भी यहीं से लगाते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे करके और अपने हिसाब से रख लेना है, और साइज़ का इसका छोटा कर लेना है, 6% पे कर लेंगे, और ऐसे करके यहाँ भी कट लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम ईजी प्रोसेस है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी कट लगा लिया है, अभी डन करेंगे। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों अभी हेयर में कलर आया था, तो वो उसको मैं बता देता हूँ। तो उसको करने के लिए सबसे पहले ब्रश वाले आइकन पे ही चले जाना है, लाइब्रेरी में चले जाना है, और इसमें आने के बाद एक ब्रश मिलता है, ये वाला एयर ब्रश, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। और एयर ब्रश सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इसमें सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाके सेटिंग देख सकते हैं कितना है, और इसमें आके हम रेड कलर को चूज करेंगे। ठीक है, ऐसे रेड कलर चूज करेंगे, और ऐसे करके हम रेड भी इसमें रख लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं रेड रखना है, बस ज़्यादा रेड नहीं रखना है, उसके बाद से वाइट रख लेना है। तो थोड़ा सा मैं इधर एक रेड कर लेता हूँ, और फिर से यही कलर वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेना है, और वाइट भी इसमें ऐसे बना लेना है। ठीक है, वाइट भी रखेंगे, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो वाइट भी मैंने बना लिया। ठीक है, ऐसे करके बना लेना है, जहाँ भी आप लोगों को वाइट रखना है रख लीजिएगा। अब उसके बाद से सिंपली हम चलेंगे फिर से उसी वाले ब्रश को लेंगे, जो हम स्मज वाला ब्रश लिए थे, ये वाला, और इसमें जाके इसका ब्रश का साइज़ का सेटिंग साइज़ बढ़ा लेंगे, और बस इसको हमको ड्रॉ करना है, बस हल्का हल्का ड्रॉ करना है, ज़्यादा नहीं, बस इसको मिलाना है, ऐसे करके मिला देना है, ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर मिलाएंगे नहीं तो बेकार लगेगा, तो ऐसे मैं इसको मिक्स कर लूँगा एकदम अच्छे से इसी में, समझिए ये एक पेंट है। ठीक है, मैं काम भी यही करता हूँ, तो ऐसे करके मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करने के बाद काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कितने अच्छे से ऑटोडेस्क में बना लिया है, अपने हेयर को एकदम अच्छे से बना लिया है। अभी हेयर में आता है, इसको हम कलर करेंगे और भी ज़्यादा, और सीबी टाइप का बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। अभी फ़िलहाल में फ़ोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे अदर में जाके, और फ़ोटो को शेयर करेंगे अपने स्नैपसीड में, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्पेशल इसी टॉपिक पे वीडियो है, तो मैं शेयर कर दिया स्नैपसीड में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, कि शुरू से लेकर कैसे मैंने फेस को स्मूथ किया, कैसे सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसमें आ चुके हैं स्नैपसीड में, और स्नैपसीड में आने के बाद सिंपली कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर टाइप करेंगे, स्ट्रक्चर और शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, और डन करके व्यू एडिट पर टाइप करेंगे, और सिंपली अपने हेयर पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आ जाएगा क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है ना, अभी उसके बाद से डन करेंगे, और फिर से हम लोग ये पोर्ट्रेट वाला यूज़ करेंगे, जिससे फेस थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है ना, अभी देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप से फ़ोटो को कर लिया है, और दोस्तों इतना होने के बाद सिलेक्टिव टूल पर जाएंगे, और इस पर अपने हेयर पर ऐसे टैप करेंगे, और यहाँ से कंट्रास्ट और स्ट्रक्चर दोनों को बढ़ा लेंगे और डन कर लेंगे। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, इतना होने के बाद हम थोड़ा सा कपड़े पे भी यही काम करने वाले हैं, तो कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे और स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, डन कर लेंगे। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपने हेयर को काफ़ी अच्छे से बना लिया है, और भी हेयर अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग PNG वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं PNG अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो का पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।